मिक्स में कैसा है। समझ लीजिए, साइन के पास दो मोबाइल्स थे, वो रास्ते से जा रहा था, उसे अचानक से कॉज दिख गया। उसने सोचा मेरे पास दो मोबाइल्स हैं, मैं एक कॉज को दे देता हूँ और एक अपने पास रख देता हूँ, हाफ हाफ। इस बात से भगवान खुश हो गए और उसने उसे डबल कर दिया। दिस इज जस्ट अ फनी स्टोरी, आपको अच्छी लगे या ना, बट दिस इज द टेक्निक टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। IIT फाउंडेशन में हम इसी तरह से लर्न कर सकते हैं, जैसे आपने 8th, 9th, 10th में शायद पढ़ा भी होगा। एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्मूला है साइन ऑफ 2θ इज इक्वल टू 2 times ऑफ साइन ऑफ 2θ का हाफ थीटा, कॉस ऑफ 2θ का हाफ थीटा। देखिए, इस मेमोराइजेशन टेक्निक में होता ऐसा है कि आप एक फनी स्टोरी या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट लगा देते हो ताकि आप ब्रेन में इजीली ये बिठा सको। ओके, आगे हम देखते हैं साइन 2θ का एप्लीकेशन कैसे है। साइन ऑफ थीटा रहा तो, अगर साइन ऑफ थीटा रहा तो थीटा का हाफ देना है। जैसे कि यहाँ पे दो मोबाइल्स थे तो एक दिया, मींस हाफ किया, तो थीटा का हाफ होता है हाफ थीटा और हाफ थीटा, बाकी सारा फॉर्मेट एज इट इज। क्लियर? अगर यहां पे साइन ऑफ 4θ रहता था तो हम लिखते थे 2 times ऑफ साइन, 4θ का हाफ 2θ, फिर कॉस ऑफ 2θ। इस तरीके से आप फॉर्मूला को रिमेंबर रख सकते हो। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई तो आप अपनी कोई स्टोरी बना लो, बट दिस इज द मेमोराइजेशन टेक्निक। हम आगे देखते हैं साइन का एक और फॉर्मूला है 2θ। साइन ऑफ 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ अपॉन 1 plus tan square θ। अगर ये आपको रिमेंबर है तो tan 2θ इजीली रिमेंबर हो जाएगा, इजीली। ये आप लर्न रख लीजिए, ऊपर 2 times ऑफ tan और नीचे 1 plus tan square। tan 2θ में कुछ खास नहीं होता, बट नीचे माइनस आ जाता है और कुछ भी चेंज नहीं है। दैट मीन्स अगर आपको ये लर्न है तो ये इजीली लर्न हो जाएगा। 2θ, cos 2θ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री में cos 2θ का यूज होने ही वाला है। प्लस cos 2θ आपको कंटिन्यूटी में भी यूजफुल रहेगा, और जी मेंस में भी एक क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड आता ही है जिसमें आपको यूज होने ही वाला है, तो अच्छे से बाय हार्ट करें। cos 2θ के 4 formulas हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है cos²θ माइनस sin²θ, सेकेंड वन इज 2 cos²θ माइनस 1 minus 2 sin²θ, 1 minus tan²θ अपॉन 1 plus tan²θ। फर्स्ट फॉर्मूला में देखिए cos² माइनस sin² है। मेमोराइजेशन के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो c² माइनस s², ठीक। अगर ये वाला आपको लर्न हो गया तो नेक्स्ट भी आपको लर्न हो जाएगा। cos²θ इज 2 cos²θ माइनस 1, इसमें सिर्फ दोनों की पोजीशन चेंज है। क्लियर? दैट मीन्स अगर आप ये भी लर्न रख लेते हो तो नेक्स्ट वन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। थर्ड वाले में ख्याल आपको इतना रखना है कि sin²θ में नीचे 1 plus tan²θ था, इसमें भी सेम ही है, बट न्यूमरेटर 1 minus tan² है। दूसरा फॉर्मेट यह है कि आप 1 minus t² अपॉन 1 plus t² के फॉर्मेट में लिख लो, लर्न हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये फॉर्मूला आप लर्न रखें। MHT CET की तैयारी, क्या आप VJTE और COAP जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं? क्या आप भी लाखों के पैकेज आना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाए? क्या आप चाहते हैं 180 पर स्कोर करना? आपको टेंशन है कि कम समय में तैयारी कैसे होगी? क्या आपको टेंशन है कि इतने कम समय में आप अच्छे से अच्छा कॉलेज कैसे पा सकते हो? बच्चों, हमारे गाइडेंस के द्वारा और हमारी टॉप 12 एजुकेटर्स के गाइडेंस के द्वारा अब तक हजारों बच्चे COAP और VJTE जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं। आपके लिए लाए हम एक बेहतरीन कोर्स जिसकी मदद से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा दावा ही नहीं, हमारा वादा है, ये कोर्स आपको दिलाएगा एब्सोल्यूट सक्सेस। आइए जानते हैं डिटेल्स।
सबसे पहली बात, आपको मिल जाएंगे 7000 प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन। दूसरी बात, पीसीएम और पीसीबी की 50 फुल लेंथ टेस्ट। साथ ही साथ टॉप 12 एजुकेटर आपको टीच करेंगे, महाराष्ट्र के सारे एजुकेटर जो भी बेस्ट है हमने एक साथ लाए हैं आपको अन अकेडमी पर, और वो सब आपको गाइडेंस करेंगे। देखिए, रैपिड रिवीजन कोर्स भी है 100 आवर्स का पीसीएम के लिए, पीसीबी के लिए, जिसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। देखिए दोस्तों, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। जून में आपकी एग्जाम है तो ये मौका आपको गंवाना नहीं है, जाइए अभी एनरोल करिए और अपनी सक्सेस को इंश्योर करिए। दोस्तों, मैं आपसे कह दूं, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। देखिए, ऋषिकेश सर हैं, गुणवंत सर हैं, गजानन सर हैं, खुशवंत सर हैं, सारे बढ़िया एजुकेटर। आप खुशवंत सर की प्रोफाइल तो देखिए, फिजिक्स एजुकेटर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर भी रह चुके हैं। और दूसरी बात, आईआईटी से हैं। क्या चाहिए आपको? गुणवंत सर यहाँ पे केमिस्ट्री के एजुकेटर हैं, गजानन सर हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात, ऋषिकेश सर को आप देखिए, केमिस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट हैं। तो ये तो एक लिस्ट है, बहुत सारे एजुकेटर आपको टीच कर रहे हैं। रिसेंटली आप देखिए, खुशवंत सर ने एक कोर्स लॉन्च कर रहा है जो फिजिक्स के ऊपर है। तो देर किस बात की दोस्तों, ये 12 एजुकेटर आपको बहुत ही धमाकेदार सक्सेस दिला देंगे। यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम द कंप्लीट सक्सेस। दोस्तों, मैं आपको और सब फीचर बता दूं, रिसेंटली हमने और भी कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। द लिस्ट इज कीप गोइंग ऑन। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करिए। और अगर आपके पास लगता है टाइम लिमिटेड है तो 2 मंथ सब्सक्रिप्शन में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसकी फीस है 4499। इसमें भी आपको पे नहीं करना है, आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% का ऑफ। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जाइए दोस्तों और अपनी सक्सेस को एंश्योर करिए एट अ वेरी रिजनेबल प्राइस। घर बैठे आपको मिल सकता है बेहतरीन गाइडेंस, आपकी मेहनत, हमारा गाइडेंस, और मिल जाएगा आपको टॉप कॉलेज। दोस्तों, टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम वैल्यूएबल है। चीजें आप फिर भी खरीद सकते हैं, टाइम खरीद नहीं सकते हैं। तो इतनी रीजनेबल कॉस्ट में अगर आपको बेस्ट एजुकेटर मिल रहे हैं, रिस्क आपका जीरो है, रिवॉर्ड और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। दोस्तों, आप अपने ड्रीम कॉलेज को पा सकते हो, आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो जाएगी, कम समय में बेहतरीन रिजल्ट आप ला सकते हो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यही, क्योंकि इसका आगे आपको एप्लीकेशन होने वाला है। व्हाट इज कॉस थीटा? तो कॉस थीटा में लास्ट फॉर्मेट में हमने देखा कि हाफ हो जा रहा था, तो कॉस थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा बाय टू थीटा बाय टू, और फॉर्मूला था सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर? अगर कॉस ऑफ 4 थीटा आया तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसका आपको एप्लीकेशन में ऐसा क्यों बता रहा हूं, जनरली फॉर्मूला बुक में आपको ये सब दिया नहीं होता है, बट क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में नहीं आता है। कभी 4 थीटा आ जाएगा, कभी 10 थीटा आ जाएगा, कभी 18 थीटा आ जाएगा। तो आपको आपका ब्रेन यूज करके वहां पे अप्लाई करना है। सो, मैं फॉर्मूला के साथ आपको उसका एप्लीकेशन भी बताते जा रहा हूँ। अच्छा, कॉस 4 थीटा में क्या हो जाएगा फिर? कॉस स्क्वायर, अच्छा, 4 थीटा का हाफ 2 थीटा माइनस एस स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर, 4 थीटा का हाफ 2 थीटा। अच्छा, किस जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट पर डिपेंड रहेगा, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको चारों फॉर्मूले लर्न होना जरूरी है। एक आपके लिए छोटा सा असाइनमेंट है, आप मुझे ये बताइए कि 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा। कुछ नहीं है, बस आपको अरेंजमेंट चेंज करनी है प्रीवियस फॉर्मेट में, इसके पहले जो फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। कमेंट करके आप आंसर बताइए जरूर, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको कंटिन्यूटी में यूज होने वाले हैं, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में। 3 थीटा बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वन है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा में होता यूं है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। ओके, अगर आपको साइन लर्न है तो कॉस लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है। कॉस 3 थीटा में अरेंजमेंट चेंज है, और वो अरेंजमेंट ऐसी है कि यहां पे जो साइन क्यूब है यहां आ जाएगा कॉस क्यूब, यहां जो साइन है वो यहां कॉस के फॉर्मेट में। अरेंजमेंट चेंज हुई है,
फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। टेन थ्री थीटा बहुत ही लिमिटेड यूज होता है, टेन थ्री थीटा बहुत ही लिमिटेड यूज होता है, और उसका फॉर्मूला है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये बहुत कम यूज होता है बट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, बहुत ही कम यूज होता है बट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने ना ये लर्न कैसे किया था, मैंने ना 8-10 बार रीड किया था तो मुझे लर्न हो गया था। अगर आपको मेमोनॉमिक्स चाहिए तो आप थ्री टी माइनस टी क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री टी स्क्वायर ऐसे लर्न कर सके। तो नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब आप कह दोगे गली का बच्चा बच्चा जानता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, बट मैं थोड़ा सा फॉर्मेट आपको चेंज करके बता रहा हूँ इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैन आई राइट वन एज अ वन स्क्वायर? डेफिनेटली। दिस इज वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर? तो वेन एवर वेन एवर इन क्वेश्चन इफ यू सी देर इज अ वन माइनस कॉस थीटा, यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ वन प्लस कॉस थीटा टू रैशनलाइज और टू सिंप्लीफाई। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर साइन स्क्वायर के लिए सेम है तो कॉस स्क्वायर के लिए भी वही होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। डेफिनेटली एप्लीकेबल है, इसी फॉर्मेट में आपको लर्न रखना है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। क्लियर? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। वन आप यहीं रहने दो, टेन स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट कर दो, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बार कैसा होता है इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में वन होता है, ठीक है, किस वन की जगह क्या रखना है ये आपको अपना ब्रेन यूज करके आंसर निकालना होगा। बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर या साइन कॉस के टर्म्स में है तो वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में सेक माइनस टेन समथिंग है तो आपको वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखना चाहिए। ये जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगा। तो वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड वन इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर यहां रख दोगे तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और डिनोमिनेटर सेक माइनस टेन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी, एन आर एंड डी आर इज गेटिंग कैंसल्ड, सिंप्लीफिकेशन इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में होने वाला है बिकॉज इंटीग्रेशन में कोशेंट रूल अवेलेबल नहीं है। ये बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला है बट आपको एग्जाम में काफी हद तक यूजफुल है। नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर आप उस तरफ शिफ्ट कीजिए तो हो जाएगा कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब अगर डिनोमिनेटर में कोजेक माइनस कॉट या कोजेक प्लस कॉट समथिंग है तो आप यूज करोगे वन इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वन अपॉन कोजेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये इंटीग्रेशन में भी आ सकता है, ये डेरिवेटिव में भी आ सकता है। अच्छा, आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, किस वन की जगह क्या रखना है ये आपको अपना ब्रेन चलाना पड़ेगा, अपना दिमाग यूज करना होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है तो यहां रख सकते हैं? डेफिनेटली नहीं रख सकते। क्लियर? सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है, क्या हम यहां पे रख सकते हैं? डेफिनेटली नहीं रख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में कोजेक कॉट है। तो दूसरा फॉर्मूला है वन इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, हम यहां पे ये रखेंगे कोजेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोजेक माइनस कॉट।
ए स्क्वायर माइनस बी होता है, बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, एन आर एंड डी आर गेटिंग कैंसिल, आई एम लेफ्ट विथ कोजेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन में सेम आपको क्वेश्चन शायद दिख भी जाए, सो क्वेश्चन रूल अवेलेबल नहीं है, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूला कैसे लर्न रखने हैं और उनके एप्लीकेशंस।